अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये हमारी जो है वो क्लास हो रही है, क्लास 8 की। ठीक है, क्लास 8 की हमारी क्लास है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग जिसके अंदर हमने जो है वो सेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अच्छा जी, सेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ना है? सेट्स के बारे में हमने ये पढ़ना है कि आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। अच्छा जी देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है? यूनियन मींस कंबाइन बोथ सेट्स एंड राइट इन सीरीज एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। यानी कि यूनियन में आप जो दो सेट्स आपके पास गिवन होते हैं, उन दोनों सेट्स को मिला के और सीरीज वाइज छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, वो आपका यूनियन होता है। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। यानी कि इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में कॉमन नंबर्स होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं। ठीक है, और इसको आप डिनोट करते हैं एन से। यानी कि जहां कहीं यू लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको उसको यूनियन करना है, उसको मिला के एक साथ लिखना है। और जहाँ इंटरसेक्शन लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि एन लिखा हुआ होगा, इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन करना है, दोनों सेट्स में से आपको कॉमन नंबर्स निकालने हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यूनियन देखिए। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। ठीक है, आपको इन तमाम पेयर्स के यूनियन निकालने हैं, यानी कि इनको मिला के लिखना है। नंबर वन देखिए, पहले सेट में है ए सी डी और दूसरे सेट में है ए बी सी डी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ए बी सी डी यानी कि आपने दोनों सेट्स को मिला के लिखना है। सबसे पहले जो आता है वो लिखना है, सबसे पहले ए आता है वो लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा। बस ये आपका आंसर है, इतना सिंपल। ठीक है, नंबर टू में देखिए, फर्स्ट सेट में है 3 8 4 और बाद वाले सेट में है खाली। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों को मिला के लिखना है। तो खाली वाले सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो आपने डायरेक्ट जो आपका आंसर था 3 8 4 वो आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब नंबर थ्री में देखिए, पहले सेट में है 3 6 9 12, दूसरे सेट में है 2 4 6 8। अब आपको इसको मिला के लिखना है दोनों सेट को छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा क्या है नंबरों में? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10 और 11 नहीं है, और फिर 12। ठीक है, यूनियन समझ आया आपको? बहुत इजी है, खाली दोनों में जो आपको मिला के लिखना है वो आपने लिख लिया। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन देखिए। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन में क्या करना है, आपको दोनों सेट दिए हुए, उनमें जो कॉमन होगा नंबर वो आपको लिखना होगा। पहला सेट है ए बी सी और बाद वाला है बी, तो यानी कि आपको इन दोनों में क्या कॉमन है, ए दोनों में नहीं है, सी भी दोनों में नहीं है, खाली दोनों में क्या है, बी। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी। बस अब नंबर टू देखिए, 2 4 6 8 और दूसरे वाले में है 1 2 3 4 5। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 दोनों में है, जी, तो आपने लिख दिया। 4 दोनों में है, जी, तो आपने लिख दिया। 6 है दोनों में, नहीं, तो आपने नहीं लिखा। 8 है दोनों में, नहीं, तो आपने नहीं लिखा। ठीक है, तो यानी कि 2 और 4 आपका आंसर है। नंबर थ्री देखिए, द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवल्स होते हैं, यानी कि ए से ए वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में है द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। पहले 4 अल्फाबेट कौन से होते हैं, ए बी सी डी। अब देखें, ए ई आई ओ यू एक सेट में और एक सेट में ए बी सी डी है। ठीक है, तो दोनों में खाली क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा। ठीक है, खाली क्या कॉमन आएगा बेटा, ए। अब नंबर फोर देखिए, पहले सेट में है सी ए टी, बाद में है डी ओ जी, दोनों में क्या कॉमन है, ना सी आता है दोनों में, ना ए आ रहा है, ना टी, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, खाली सेट, यानी कि कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। नंबर फाइव देखिए, पहले सेट में है 3 6 9 12, बाद वाले सेट में है 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन था, एक 3 था दोनों में और 6। ठीक है, समझ आया इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा आपको? अच्छा जी, अब यहाँ देखिए, आपके पास अब एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। लेट u इज इक्वल टू, u क्या है आपके पास, 0 से लेके 9 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, a क्या है, 0 2 4 6 8, b क्या है, 1 3 5 7 9, c क्या है, 1 2 3 8 और d है 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको ये 5 u a b c d का आपको सेट दिया हुआ है, आपको इसमें से आंसर निकालने। सबसे पहला है a यूनियन c, यानी कि a और c को यूनियन करना है, यानी कि मिला के लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, a यूनियन c लिखा, सबसे पहले आपने a लिखा, 0 2 4 6 8, आपने पूरा ए का सेट लिखा, बीच में आपने यूनियन यू का साइन बनाया और फिर आपने पूरा सी का सेट लिखा। सी का सेट क्या है, 1 2 3 8।
सही है, ये दोनों आपने कर दिए, पहले ए का पूरा सेट लिखा और फिर सी का सेट लिखा। अब इन दोनों को आपको मिला के लिखना है, तो कैसे मिला के, छोटे से आप लिखेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, रहने दें 6 और फिर 8, ठीक है। अब उसके बाद सी यूनियन यू, यानी कि पहले आपने पूरा सी का सेट लिखा, 1, 2, 3, 8, पहले आपने सी का सेट लिखा 1, 2, 3, 8, फिर आपने बीच में यूनियन लगाया, फिर आपने यू का सेट लिखा। यू का सेट क्या था, 0 से लेके पूरा 9 तक, ठीक है। दोनों सेट आपने लिख दिया, अब इसमें से आपको पूरे दोनों सेट को मिला के छोटे से बड़े नंबर तक लिखना है, तो क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है तो आपका ये आंसर यहीं खत्म, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन देखिए, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और बी इंटरसेक्शन यू निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है, आपने पहले ए का पूरा सेट लिखा 0, 2, 4, 6, 8 इंटरसेक्शन, फिर आपने बी का पूरा सेट लिखा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये दोनों लिख लिया आपने सेट, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ना 0 दोनों में है, ना 2 दोनों में है, ना 4 दोनों में है, ना 6 दोनों में है, ना 8 दोनों में, तो ये क्या हो गया आपका नल सेट, यानी कि खाली, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन यू, पहले आपने बी का सेट लिखा 1, 3, 5, 7, 9, बीच में आपने एन लिखा, फिर आपने यू का सेट लिखा 0 से लेके 9 तक। अब आपको इन दोनों सेट में से कॉमन निकालना है, 1 दोनों में है आपने लिख दिया, 3 दोनों में है आपने लिख दिया, 5 दोनों में है आपने लिख दिया, 7 दोनों में है आपने लिख दिया, और 9 दोनों में आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, देखा आपने इंटरसेक्शन और यूनियन, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है, फिर चैप्टर का नाम लिखना है, फिर यूनियन और इंटरसेक्शन की हेडिंग डाल के ये सारा काम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ तक आपको अपनी CW कॉपी में करना है, ठीक है। फिर आपने अपनी HW कॉपी लेनी है, ठीक है। HW कॉपी में भी आपने मिड टर्म का टाइटल पेज बनाया है, ठीक है। टाइटल पेज बनाने के बाद बेटा आपने चैप्टर का नाम लिखा, ठीक है, और आपने पहले तो लर्न एंड राइट टेबल 2 to 15, 2 से लेके 15 तक टेबल्स आप लोग को याद भी करना है और अपनी होमवर्क कॉपी में भी करना है, ये आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, डू क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 18 इन योर कॉपी, पेज क्वेश्चन नंबर 6 से पेज नंबर 18 पे इंटरसेक्शन और यूनियन का सवाल है, वो आपको आपकी कॉपी में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोग को आपका असाइनमेंट चेक करूंगी, फिर आगे समझाऊंगी, जो ना समझ आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अपना रिस्पांस दें, पहले तो कॉपीज और बुक्स परचेज करें स्कूल से, ताकि आप लोग को होमवर्क करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आप इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।